उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के खुड़बुड़ा मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां आरोपी पिता अपने ही बेटे को गोली मारकर फरार हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को अपने ही कलेजे के टुकड़े को गोली मारनी पड़ी? क्या है पूरा सच, आप भी देखिए। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के खुड़बुड़ा मोहल्ला के हनुमान गली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गोली बेटे को छूते हुए निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही आरोपी पिता फरार हो गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी शेखर चंद सुयाल ने बताया कि घर में कलेश के चलते पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे पर गोली चला दी। वही घटना के बाद से आरोपी फरार है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने जल्द ही आरोपी पिता को पकड़ लेने की बात कही। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी जेलर भी रह चुका है। वहीं अब पुलिस की पूरी टीम आरोपी की छानबीन में जुट गई है। एक सूचना आई थी 112 के माध्यम से कि किसी पिता ने अपने बेटे पे फायरिंग किया है। इस सूचना पर हमारे चौकी इंचार्ज तुरंत वहाँ पे पहुँचे, तो वो बच्चा बदहवासा मिला। उसकी माँ और वो दोनों को तो हमारी चौकी की तरफ को आ रहे थे, तो उनका कहना था एक छोटे से मामले को लेकर पिताजी ने उन पर फायर झोंक दिया। यद्यपि उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी, वो अपने आप को बचाने में सफल हुए और आगे की कार्रवाई चल रही है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।